बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने देखा होगा हर गली में जहाँ पे है वो, अगर नर्सिंग कर रही है उसने भी डॉक्टर लिखा हुआ है, अगर कंप्यूटर है उसने भी डॉक्टर लिखा हुआ है सारों ने, क्योंकि इस पे हमने पाबंदी इसलिए लगाया है क्योंकि ये सही मायने में डॉक्टर तो नहीं है। कंप्यूटर का अपना एक काम होता है, डॉक्टर का अपना होता है। हमने ये इसीलिए पाबंदी लगाया कि ये इलाज सही नहीं हो रहा है, लोगों का वो सही नहीं मिल रहा है। तो हमने कहा जब तक डॉक्टर हाउस जॉब उनका मुकम्मल नहीं होगा वो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है फार्मासिस्ट ने भी लिखा हुआ है डॉक्टर, ओरिजिनली वो डॉक्टर नहीं है। एक टेक्नीशियन ने भी लिखा हुआ है डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है, इसलिए हमने उन पर पाबंदी लगाई। सर, गुज़िश्ता सालों की नस्बत अगर इस साल की बजट पर नज़र दौड़ाएँ तो सेहत के शोबे में कुछ खास फ़र्क हमें नज़र नहीं आया, थोड़ा बहुत फ़र्क है बजट में। तो साबका अदवार में भी अस्पतालों की हालत इज़ार कुछ बेहतर नहीं है, तो आप उस महदूद वसायल में महदूद बजट में एक बार फिर से एक बड़ा चैलेंज है और अस्पतालों की हालत इज़ार बहुत ख़राब है, तो किस तरह पूरा करेंगे और क्या इसको बढ़ाना नहीं चाहिए था थोड़ा सा? इसका बजट में तो वैसे भी हमारे जो बलूचिस्तान के जो कहते हैं आपकी जेब में पैसे जितने हैं वो फिर उतना ही खर्च करें, क्योंकि हमने जेब को देख के उन्होंने बजट जिन्होंने बनाया है उन्होंने, इसमें यह है कि काफ़ी फ़र्क है। लेकिन हमारे जो अस्पताल हैं बलूचिस्तान के उसमें फेडरल गवर्नमेंट भी हमें सपोर्ट करा है, ख़ासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी मुझे कहा है कि हम भी सपोर्ट देंगे आपको जो भी हेल्थ के हवाले से, क्योंकि मेरा ताल्लुक भी उसी पार्टी से। वैसे सीएम साहब ने कल भी एक हमसे मीटिंग किया कि आप लोग देखें अगर हेल्थ में कुछ कमी है तो उसको हम पूरा करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा।